हेलो फ्रेंड, मैं लिंगराज पटेल किचन किंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं सबके लिए और एक नया रेसिपी लेके आया हूँ। आज मैं जो रेसिपी आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आज की ये रेसिपी को हम बनाएंगे बैगन से। तो फिर चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातचीत ना करके आज की ये रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यह बैगन और हमने यहाँ पर 2 बैगन लिया है और इसको अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया है। अभी हम सबसे पहले एक बैगन का जो ऊपर का हिस्सा है इसको काट के निकाल देंगे। ये देखिए, इसको हम काट के निकाल देंगे। और बैगन का जो नीचे का हिस्सा है इसको भी हम काट के निकाल देंगे। चलिए, अब हम बैगन को ज़्यादा पतला नहीं कि ज़्यादा मोटा नहीं, बिल्कुल इसी साइज में आपको काटना है। ये देखिए, इसी तरह गोल गोल करके हमें सारा बैगन को काट लेना है। और ये देखिए दोस्तों, हमने थोड़ा थोड़ा करके सारा बैगन को काट लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। और इसको डालने के बाद अभी हम हाथों से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने से ये जो सूखा मसाला है अच्छी तरह से इसमें कोटेड हो जाएंगे। ये देखिए, अभी हमने एक तवा को गर्म कर लिया है और इसमें लगाएंगे सरसों का तेल। अभी हम एक एक करके इसमें सारा बैगन को ऐसे डालते जाएंगे। आप चाहे तो इसको रिफाइंड तेल से भी बना सकते हैं, लेकिन सरसों तेल में ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए, हमने तवा को पूरा भर लिया है। अभी हम सबसे पहले एक साइड को सेकने देंगे। और ये देखिए, एक साइड सेकने के बाद अभी हम इसको एक एक करके पलटते जाएंगे ताकि इसका जो दूसरा साइड है ये भी अच्छी तरह से सीख सके। इसी तरह हमें एक एक करके सारा बैगन को पलट लेना है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, एकदम झटपट बन के तैयार हो जाता है। और हमने सारा बैगन को पलट दिया है, अभी इसको ऐसे ही थोड़ी देर छोड़ देते हैं। चलिए, अब हम थोड़ा सा सरसों तेल लेके तवा का चारों तरफ थोड़ा थोड़ा लगा देंगे और सारा बैगन का जो बीच में गैप है इसमें भी थोड़ा थोड़ा सरसों तेल डाल देंगे और बैगन का ऊपर भी हल्का हल्का तेल लगा देंगे ताकि हमारा बैगन अच्छी तरह से फ्राई हो सके। इसको ऐसे ही थोड़ी देर फ्राई करने के बाद चलिए हम इसको फिर से पलटते हैं। ये देखिए, हमें फिर से एक एक बैगन को पलट लेना है और इसी तरह एक एक करके हमें फिर से सारा बैगन को पलट लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमने सारा बैगन को पलट दिया है, अभी अच्छी तरह से फ्राई भी हो गया है। अभी हम फिर एक बार इसमें थोड़ा थोड़ा तेल लगा देंगे और थोड़ी देर फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी फ्राई हो गया है। अब हम इसको एक एक करके प्लेट में निकालते जाएंगे। और ये देखिए, हमने सारा बैगन को प्लेट में निकाल लिया है। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। दोस्तों, आज का ये मेरा बैगन फ्राई का रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching my video, friends.